हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक बार फिर आपके सामने। सो दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, आपने लास्ट वीडियो में इतने अच्छे विशेज दिए नई गाड़ी को लेकर। और आपने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी थे कि यार आपने गाड़ी तो दिखा दी लेकिन गाड़ी की डिटेल्स नहीं दी। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि पहले मैंने सोचा मैं खुद चला लूँ, खुद फील लूँ मैं पहले एक बार की गाड़ी चला के, उसके बाद ही तो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपको गूगल से रट के बढ़ा देने वाला तो सीन मेरे पास बस की नहीं है। तो फिलहाल मुझे 5 दिन हो गए गाड़ी चलाते हुए, आज की डेट में मैं आपको बता सकता हूँ इस गाड़ी में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो दोस्तों आपको पता ही है मैंने गाड़ी लिए क्रेटा लिए मैंने, SX एग्जीक्यूटिव डीजल 1.52 CRDI डीजल इसे कहते हैं, 1500 सीसी गाड़ी होती है, 113 BHP और 250 mm टॉर्क के साथ में 4 सिलेंडर गाड़ी है। तो स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले इसका फ्रंट दिखाता हूँ आपको, आइए मेरे साथ। आप देख रहे हो इसकी ग्रिल, देख रहे हो ये क्रोमिंग ग्रिल है। सबसे इसकी जो मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर था जो गाड़ी में दिख रही है क्रोम ग्रिल है इसकी, मुझे जो बेस्ट लग रही है लोगों के साथ में बीच में। फिर इसको दिखाता हूँ आपको, इसकी लाइटें और ये नंबर तो वगैरह भी टेम्परेरी नंबर है मेरा, नंबर आने में 3-4 दिन और लगेंगे। अब इसके आते हैं फ्रंट लाइट पे, आपको ये लाइटें दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्टर लाइट आती है इसमें एक मॉडल में, और ये आप देख ही रहे हो लाइट की क्वालिटी। ये इंडिकेटर आप साथ में देख रहे हैं यहाँ पे, और लाइट की शेप देख रहे हो आप, बिल्कुल बॉडी के साथ ऐसे मिली हुई है, बिल्कुल चिपकी हुई है। और ये नीचे आप देखोगे छोटा सा नीचे, और नीचे देखिए फॉग लैंप है, ये इसका फॉग लैंप है। तो गाड़ी इतनी सुंदर बनाई है, इतनी फ्रंट से आप देख ही रहे हो, सॉलिड गाड़ी है। एक बल्की व्यू आ रहा है गाड़ी में ना, एक बल्की व्यू है जो कि मतलब गाड़ी को और किसी भी गाड़ी से कंपैरिजन में, मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा किसी और गाड़ी से, बट आई लव इट यार, मुझे इसका बल्की व्यू बहुत अच्छा लगा। और बल्की व्यू बट बड़ी फिनिशिंग के साथ में एक ना एक। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी साइडें, तो इसका जो साइड व्यू है आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी हाइट जो है ना 4300 mm इसकी जो है लंबाई है गाड़ी की, और 1635 mm इसकी हाइट है। सो इसका जो आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं ये एडजस्टेबल तो अंदर से है ही है, इसके अलावा ये ऑटोमेटिक भी है। सपोज मेरे हाथ में चाबी अगर मैं गाड़ी में रख के जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, और मैं अगर जाके लॉक करके गाड़ी जाऊँगा तो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। ये इसका बहुत अच्छा फीचर है। और इसी के अंदर इसमें एक इंडिकेटर भी दिया हुआ है। अब देखो साइड से पूरा व्यू देखो गाड़ी का ना, ये देखिएगा जो। और ये टायर जो आप देख रहे हैं ना, ये 17-inch टायर है जो कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी SUV गाड़ीज में आता है, जैसे कि आपके देख ही रहे हैं XUV होगी या फिर स्कॉर्पियो होगी, सफारी होगी, उनमें अच्छा खासा टायर है। तो अच्छा खासा टायर का साइज़ है, चौड़ाई भी अच्छी है। साइड व्यू देखो आप, कितना प्यारा साइड व्यू है इसका ना अंदर। अगर मैं इस बटन को यहाँ से पुश करता हूँ तो गाड़ी यहीं से, मैं गाड़ी की चाबी सिर्फ जेब में होना इंपॉर्टेंट है बस, इसको सिर्फ मैंने बटन को प्रेस करना है, गाड़ी यहीं से लॉक और अनलॉक हो जाएगी। चलो अंदर से दिखाने से पहले मैं आपके इसका बैक व्यू रहता है, पहले आपको बैक व्यू दिखाता हूँ इसका, आप मेरे साथ पीछे आइए दिखाता हूँ इसका बैक व्यू। ये देखो यार क्या मतलब, यू नो शेप देख रहे हो गाड़ी की, आपने पहले वाले मॉडल्स भी देखे क्रेटा के, इसकी शेप देखो आप ना, एक शेप के अंदर ना फिनिशिंग है, लाइट के साथ में जो बॉडी है ना बिल्कुल बड़ी फिनिशिंग आ रखी है। अच्छा इस वाले मॉडल में SX एग्जीक्यूटिव मॉडल में इसका ये वाइपर भी है बैक साइड में, जो कि इससे नीचे वाले मॉडल्स में वाइपर नहीं है। इससे नीचे वाले मॉडल की अगर बात करें तो ना तो उसमें डिफॉगर है और ना उसमें ये रियर वाइपर है, और ये DSP पे ना चाहिए, किसी भी मॉडल में मिलेगा, मेरी गाड़ी के हर मॉडल में मिलेगा। और फिनिशिंग आप देख ही रहो, प्यारा सा लोगो, और उसके बाद जो लिखा हुआ है क्रेटा, फॉन्ट देखो क्या प्यारा लग रहा है यार। अपनी जो गुजर लिखा हुआ है उसको भी ये हर मॉडल में मिलेगा, ये सिर्फ मेरे मॉडल में मिलेगा, देख ही रहे आप जी ना। सो गाइज अभी वक्त आ गया आपको इसके कंफर्ट लेवल पे लेके जाने का, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या और ज़्यादा मॉडल्स में कंपेरिजन अगर बात करूँ क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया, मैंने इसमें क्या लगाया, क्या क्या चीज़ें मैंने अपनी तरफ से की हैं, चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ उसका। सो यार दोस्तों इसके इंटीरियर की अगर मैं बात करूं आपको ना, बहुत ही इसका डैशबोर्ड देखो ना, कितना प्यारा, कितना ड्यूल टोन में इसका डैशबोर्ड है, कितना सुंदर डैशबोर्ड है। अच्छा इसके म्यूजिक सिस्टम पे ना जाएं, ये म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं आया था। SX एग्जीक्यूटिव और SX में यही फ़र्क है कि म्यूजिक सिस्टम SX एग्जीक्यूटिव में नहीं है, तो लेकिन उसका बड़ा बेनिफिट हुआ मुझे, लगभग 90,000 रुपीज़ ये मुझे सस्ती मिली, सिर्फ और सिर्फ
म्यूजिक सिस्टम हटने की वजह से, तो मेरे को 90,000 बचे तो मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छी बात थी, बट वो अलग बात है, मैंने 50,000 रुपये इसमें सिस्टम में और सब कुछ लगाने में मैंने अपना लगा दिया। वो आपकी चॉइस है, आप क्या लगाना चाहते हैं क्या ना लगाना चाहते हैं वो आपकी चॉइस होती है। क्योंकि मैंने एम्प भी लगाया है, चारों डोर में स्पीकर भी मैंने चेंज कराए हैं, और ये पूरा एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ में मैंने ये लगाया म्यूजिक सिस्टम। इसमें मेरा एंड्रॉयड है, सब कुछ चलेगा इसमें, मैप के साथ साथ एवरीथिंग जो कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल में होता है वो सब कुछ है। टच स्क्रीन आप देख रहे हो, क्वालिटी ऐप वगैरह सब आ जाते हैं इसमें, प्ले स्टोर भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है। तो ये भी अगर आप लगवाना चाहें तो मेरे को क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा मैंने कहाँ से लगवाया है। तो अभी आते हैं इसके, आप देखिए इसका स्टीयरिंग, सबसे पहले स्टीयरिंग पे आते हैं। सो इसका जो स्टीयरिंग है आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी ये बटन्स हैं ये मेरे एंड्रॉयड सिस्टम से सब कनेक्ट हो चुका है, कॉल लेने का, कॉल उठाने का, पिक करने का, म्यूट और जो भी यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन। इसके अलावा जो ये फीचर देख रहे हैं ना, इसके जो आप डैशबोर्ड में लाइटिंग और ये सब फीचर देखते हैं वो सब यहीं से ऑपरेट हो जाता है, इसी चीज़ों से सारा ऑपरेट होगा। और इसका बिल्कुल आपने स्टीयरिंग पहले बहुत देखे होंगे राउंड होते हैं, इसका स्टीयरिंग राउंड नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट है, और मुझे चलाने में और कंफर्टेबल हुआ, मुझे और ज़्यादा अच्छा फील हुआ। बाकी आप गाड़ी देख ही रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है डैशबोर्ड का, खासकर एसी वेंट हो गया, उनकी शेप चेंज हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग दी हुई है। अब एसी पे आते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है इसका, तो जो भी हमने यहाँ ऑटो का बटन दबाना है तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से जो हम टेम्परेचर चूज़ करेंगे उसके हिसाब से चलता रहेगा। वो मैनुअल मैंने चूज़ करी थी, मैनुअल गियर है। और इसके इसमें आते हैं डोर में ना, डोर में आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा, अगर मैं साइड मिरर यहाँ से एडजस्ट करना चाहता हूँ तो इजीली होगा, अगर मैं इन्हें यहाँ से बंद करना चाहता हूँ तो यहाँ से बंद भी हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट सेटिंग वेटिंग सब है, चारों दरवाजे यहाँ से लॉक हो जाएंगे, अब चारों डोर यहाँ से शीशे वीशे खोलना और एंड ऑल शीशे यहाँ से मैं लॉक कर सकता हूँ सारी चीज़ें। सो यार अभी इसमें देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये वायरलेस चार्जर है, अगर मैंने अपने यहाँ मोबाइल रख देना है मेरा मोबाइल चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पे यूएसबी और एक चार्जर और है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का 180 वाट का मैंने वो भी इसमें ऑप्शन आता है कि अगर आप एक्सटर्नल चार्जर या कुछ लगाना चाहें लाइटर वगैरह कुछ भी तो आप वो लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर भी एक कूलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कोई छोटी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या कैन कुछ भी रखता हूँ सेम टेम्परेचर पर वो उतना ही बना रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं होगा ठंडा भी नहीं होगा बट सेम टेम्परेचर बना रहेगा। सो यार दोस्तों अभी मैं इसके ना आपको बैक साइड दिखाता हूँ, बैक साइड में भी अच्छे कुछ बेनिफिट्स हैं इसमें। अभी देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको कि जो एसी का जो यहाँ पे बेनिफिट है, मैं पीछे भी इसमें एसी वेंट दिए हुए हैं और प्लस एक यूएसबी चार्जर भी दिया हुआ है छोटी सी स्टोरेज के साथ में, तो ये भी अपना में बहुत बड़ा बेनिफिट है। स्पेस आप गाड़ी का देख ही रहे हैं, बैक साइड में सीट अच्छी खासी, पीछे करने के बाद भी कितना स्पेस है। बाकी इस पर ना जाए, ये मेरा कूलिंग बॉक्स है, मैं इसमें अपने कुछ चीज़ें ऐसी रखता हूँ जो गर्मी के टाइम में मेरे को बेनिफिट मिले। आप देख ही रहे हैं साइड से, देखिए पूरा स्पेस, इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, पूरी की पूरी सीट पीछे करने के बावजूद भी यहाँ पे कोई 6 फीट वाला अच्छा खासा लंबा आदमी बैठ सकता है। सो गाइस इसका बूट और दिखाता हूँ अभी आपको मैं। सो गाइस आप देख रहे हो इसका 430 लीटर का बूट स्पेस है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इनफ है, मेरा कुछ सामान पड़ा होने के बावजूद भी इतना स्पेस है कि अगर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरे आराम से चार बैग तो मेरे पूरी फैमिली के बैग आराम से इसमें आ सकते हैं। बाकी अम्ब्रेला मैंने रखा हुआ है क्योंकि आजकल देख ही रहा बारिश का मौसम है, कहीं भी फंस जाओ या इस तरह का मीटिंग शीटिंग में कहीं जा रहा हूँ और बारिश हो जाए तो मेरे बहुत काम आता है। तो अभी इसकी सबसे बड़ी जो खास चीज़ है वो आपको दिखानी रहती है, जिसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, वो आपको दिखाना रहता है। आप आइए अंदर मेरे साथ एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी खास चीज़। हाँ जी, तो दोस्तों फाइनली, सो यार दोस्तों इसकी जो मुझे सबसे बड़ी खासियत, जो मेरी फैमिली मेरे बच्चों सबको सबसे ज़्यादा उसमें मज़ा आ रहा है, एक्साइटेड है बहुत, और कभी भी बाहर जा रहे हैं तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं भी बहुत कर रहा हूँ, अच्छा मौसम भी चल रहा है, तो वो है इसका मून रूफ, पैरानोमिक सन रूफ। आप ऊपर देखिए इसको ज़रा भी, अगर मैं एक बार छोटा सिंगल क्लिक करता हूँ तो इसका कर्टन हटेगा। अब देखो रूफ का साइज़ देखो यार, देख रहे हैं आप, इट्स कॉल्ड मून रूफ, या फिर इसको आपने सुना होगा पैरानोमिक सन रूफ, तो अच्छा खासा साइज है, इसमें आराम से दो लोग एक साथ बाहर आ सकते हैं। सो गाइस इसमें आप देख रहे हो, साइज देख रहे हो इसका, ये तो खैर मैं तो इतना ज्यादा मोटा भी नहीं हूँ, इसमें आराम से दो लोग एक साथ बाहर आराम से खड़े होके अच्छे मौसम का, अच्छे टेम्परेचर का मजा ले सकते हैं। और अभी से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, कब मेरा कोई ट्रैवल आएगा, कब मैं पहाड़ों में जाऊंगा और सनरूफ खोल के बाहर निकलूंगा,
या मेरे साथ मेरे ट्रैवल पार्टनर सोनू भाई गाड़ी चला रहे होंगे और मैं जो है बाहर निकल के ठंडी हवाओं का मजे लूँगा। सो मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ कि मैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल्स में दे पाऊँ, बट जो मैंने फील किया था 4 से 5 दिन के अंदर वो मैंने आपको बताया। बाकी छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं इसमें, सनग्लासेस रखने का होल्डर है, बाकी ऐसे छोटी छोटी तो सभी में और होती भी हैं। वो आपको ज़्यादा डिस्क्राइब मैंने इसलिए नहीं किया कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ना कि मैं इतना प्रोफेशनल हूँ कि जो मेरे को एक ही बारीक चीज़ आपको बता पाऊँ। हाँ, बट मेरा 5 दिन का रिजल्ट ये कहता है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, आई एम लविंग इट यार। मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रहा ये गाड़ी चूज़ करने का और ख़ासकर ये मॉडल चूज़ करने का। सो आई होप आपको भी ये गाड़ी अच्छी लगी हो और आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट वीडियो में इतने अच्छे अच्छे विशेज दिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें यार, ऐसे ही मैं आपको कोशिश करता रहूँगा कुछ इन्फॉर्मेशन देने की, कुछ एंटरटेन करने की। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, और प्लीज़ शेयर करना भी ना भूलें। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ कोशिश करता रहूँगा आपके साथ बना रहने की। थैंक यू सो मच।